अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चिली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी फूफी के हाथों की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी बनाती हैं, तो मैंने सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि गांव में तो यहाँ मैं किसी के भी किचन में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जो भी रेसिपी अच्छी लगती है मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें हमें कांदा चाहिए, तो इस तरह से हम पहले कांदा फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने सिर्फ इतना ही कांदा मतलब फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे हम निकाल लेंगे। और देखिए, गांव में बारिश का मतलब बारिश का मौसम तो हर जगह चल ही रहा है, यहाँ पे सावन का मौसम बोलते हैं, तो उस हिसाब से हमारी भौजियों ने ये सावन की चूड़ियाँ पहनी है। तो मेरी यहाँ पे तीन भाभी है, मतलब मेरी फूफी है जो, उनकी तीन भौवे हैं, और तीनों ने देखे सब खुशी खुशी दिखा रही है कि चूड़ी की भी वीडियो डाल दे। तो चलिए, इस तरह से कांदा निकाल लेंगे हम। अब हम तेल में मसाला डाल देंगे। देखिए, ये चिकन चिल्ली की रेसिपी है, मेरी फूफी के हाथों की बहुत फेमस वाली रेसिपी है। तो मैंने पहले इरादा नहीं की थी और मुझे पता भी नहीं था कि भाभी बनाएंगी, तो घर में फूफी के बाद अगर ये चिकन चिल्ली कोई अच्छा बनाता है ना, तो ये जो मेरी सेकेंड नंबर वाली भौजी है ना, वो अच्छा बनाती है। घर वालों ने अपनी जान छुड़ा के भौजी के गले पे रख दिया कि भाभी आज अब चिकन चिली बनाएं, तो भाभी चिकन चिली बना रही हैं। तो चले, भाभी ने इसके अंदर मसाले पहले से पीस कर रख ली थी, तो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर मसाले क्या क्या हैं। इसके अंदर है कांदा, अदरक लहसुन और सारे गरम मसाले, वो भाभी ने पीस कर पहले से ही पेस्ट बना के पानी डालकर थोड़ा सी फाइन अच्छा से पीस ली थी। जब हम कांदा निकाल लेंगे तो हम तेल में सारे मसाले और मिक्सी जार को धोकर इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भून लें हम। और इसमें बाद में एक्स्ट्रा मसाला जो जाएगा, इसमें जाएगा लाल मिर्च और हल्दी और नमक। तो चले, सारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं, तब तक के मैं आपको दिखाती हूँ, साथ ही में हमारे घर पे बन रही है रोटी। तो देखिए, गांव में तो गैस पे इसी तरह से रोटी बनती है, बाकी मुंबई में तो मैं कपड़े से सेक कर बनाती हूँ। तो ये दूसरी भौजी, मतलब सारी भौजियाँ आज किचन में ही है, और किचन में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और हम लोग इंजॉय करके वीडियो बना रहे हैं। तो चले, साथ में रोटी भी बन रही है और साथ में चिकन भी बन रहा है। और ये मज़े की बात देखिए, खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गई है, और घर पे एक्स्ट्रा बाटला था, लेकिन भाभी ने अपनी भाभी को दे दी, क्योंकि उनके घर पे गैस ख़त्म हो गई थी। अब वापस आएगा उनके घर पे गैस रिटर्न। तो चले, हम लोगों को मिल गए थोड़ी देर की ब्रेक, हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी मस्ती। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर जाएगा चिकन। देखिए, चिकन डालते ही भौजी ने गैस का फ्लेम ऑफ कर दी, और ये इसके अंदर जाएगा सिरका। तो आप, दो तरह का सिरका आता है, सिरके तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, ये लेमन वाला है, आप ये भी डाल सकते हैं, मिक्स फ्रूट वाला भी होता है, आप वो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है आप वो डाल दें, बट इसके अंदर सिरका ही ऐड करें, नींबू नहीं। और देखें, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मसालों में सिरका, ताकि चिकन में सिरका और मसाले वो अच्छे से, मतलब इसकी एक खुशबू होती है वो आ जाए। उसके बाद हम 15 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑन करके फिर हम इसे पका लेंगे। तो 15 मिनट के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है, और इस तरह से चिकन को मसाले के साथ एक बार घुमा के इसके अंदर अब हम डालेंगे तली हुई प्याज। तो देखिए, इस तरह से फ्राई कांदा डालने के बाद हम वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम जब चिकन को कवर करके मसाले के साथ हमने मैरिनेट, एक होता है जो कच्चे मसालों के साथ करते हैं, ये भुने मसाले के साथ हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, तो इसमें जो चिकन का पानी होता है वो निकला हुआ था, उसी के साथ हमने मसालों में चिकन को अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर पानी अब हमने नहीं ऐड करना है। तो चलें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे छोड़ देंगे, पकता रहेगा ये। बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे, कवर करके हम इसे बनाएंगे, ताकि चिकन है वो जल्दी से और अच्छे से गल जाए, पक जाए। और इसमें साथ में जाएगा टमाटर और हरी मिर्च। तो देखें, आपने तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, इसके अंदर रेड मिर्ची भी है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी वो ग्रीन चिली की होती है, इसीलिए इसे चिकन चिली कहते हैं। और टमाटर, ये तीन टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, अच्छे आप इसे इस तरह से रफली चॉप कर लें, बहुत बारीक बारीक नहीं कटे, देख लें आप इस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। तो ये 5 से 10 मिनट तक अच्छे से हमने इसको गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके पका लिया है,
और ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तब इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च और ये भाभी की हरी हरी चूड़ियाँ। मतलब कॉम्बिनेशन कमाल का है, हरी मिर्च और हरी चूड़ियों का। ठीक है, हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम कवर करके फिर से 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि जो हरी मिर्च है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर जाएगा अब टमाटर, और टमाटर डालकर भी हम गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखना है। और टमाटर डालने के बाद हमने इसको वापस से कवर करके बनाना है ताकि जो टमाटर है वो भाप से गल जाए। और फाइनली चिकन चिली तो नहीं तैयार हुई है लेकिन रोटी तैयार हो गई है। और ये मैं रोटी की वीडियो बना रही थी करके भौजी ने इसको बहुत ज़्यादा वाली बढ़िया सी बना दी है। चिकन चिली ऑलमोस्ट हो चुकी है, 10% बची है। तो भौजी जब तक तैयारी कर रही है, धनिया पत्ती काट के रख रही है और माशाल्लाह से देखिए ढक्कन बंद है लेकिन फिर भी चिकन चिली की खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त खतरनाक वाली आ रही है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। देखिए हम थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा के इस तरह से चिकन को भून लेंगे। और अभी जितना भी चिकन बनेगा ना तो उसका ढक्कन हटा के हम बनाएंगे, अब कवर नहीं करेंगे। इसमें ना ये इस तरह से भुना ही इस टुकड़ी तरह रहता है, इसमें ग्रेवी नहीं लगती, सालन नहीं लगता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। तो देखें आपको इसके अंदर तेल दिख रहा होगा, तो मतलब हमने इसको भुना ही ऐसे बनाना है। और इसमें से खुशबू मैं सच बता रही हूँ बहुत ख़तरनाक सी आ रही है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की हूँ, बहुत ज़्यादा वाले यमी ये बनते हैं चिकन चिली, ताकि आप लोग इसे अपने दस्तरखान पे सजाएं। और तो देखिए ये हो चुका है, अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस पर हम ऊपर से इसमें हम धनिया पत्ती वो ऐड कर देंगे, हरी धनिया। हरी धनिया ना खाने का टेस्ट बढ़ा देती है, तो जब भी आप ग्रेवी सालन भुना कुछ भी बनाएं तो आप उसमें धनिया पत्ती ज़रूर ऐड करें। तो चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये तैयार हो चुके हैं हमारे टेस्टी से चिकन चिली, आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार बनाएं और ट्राई करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।